ग्वालियर जिले में कांग्रेस पार्टी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हिंदू संगठनों को अपना समर्थन दिया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की मंशा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने की रही है। इसके आगे उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए बांग्लादेशी सरकार हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। इसके तहत ही उन्होंने केंद्र सरकार से विश्व में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सख्त नीति बनाने की मांग की। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है कि जहां भी अल्पसंख्यक हों वहां की सरकार को उनकी रक्षा करना चाहिए। आज बांग्लादेश में जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर हमले हो रहे हैं, बांग्लादेश में ही नहीं, अमेरिका में भी कुछ घटनाएं हुई, कनाडा में भी हुई, आखिर केंद्र सरकार क्या कर रही है, मोदी सरकार क्या कर रही है, आज केंद्र सरकार की विदेश नीति क्या कर रही है, आज केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि जहां भी अल्पसंख्यक हैं हमारे हिंदू भाई उनकी मदद करना चाहिए, उनके ऊपर हो रहे हमलों की किस तरीके से रोक हो सके, जो भी कार्रवाई करना पड़े, जो भी नीति अपनाना पड़े वो करना चाहिए। ये पूरी की पूरी आज जो घटनाएं घट रही हैं और केंद्र सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही, ये केंद्र सरकार की विदेश नीति की विफलता है।